सीड से लेकर प्लांट तक का सफर शुरू होता है जब बीज सॉइल में बोया जाता है। जब सीड जर्मिनेट होता है तब रूट्स भी डेवलप होते हैं और साथ ही साथ रूट्स माइक्रोब इंटरेक्शन भी इस समय स्टार्ट हो जाता है और कई डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि रूट्स जो सॉइल के अंदर होती है, जब वो ग्रो होती है तो उसमें काफ़ी माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब इन माइक्रोब्स के अंदर फंजाई भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है, और इन माइक्रोब्स का रूट के साथ क्या इंटरेक्शन है इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। रूट माइक्रोब इंटरेक्शन में इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक ऐसा रिश्ता हो जहां एक दूसरे का वो सहयोग करे और दोनों का ही फायदा हो। ये रिलेशनशिप म्यूचुअल बेनिफिट्स और म्यूचुअल डिपेंडेंस पर बेस्ड होती है और ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहने में मदद करती है। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सिम्बायोसिस जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म। और रूट माइक्रोब इंटरेक्शन में हम म्यूचुअलिज्म पढ़ेंगे और इस म्यूचुअलिज्म में हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के साथ रूट का इंटरेक्शन क्या होता है और सेकेंड हम पढ़ेंगे कि फंजाई के साथ रूट का इंटरेक्शन क्या होता है। और बैक्टीरिया के साथ अगर रूट इंटरेक्शन देखेंगे तो हम रूट न्यूड्यूल्स पढ़ेंगे एंड हम फंजाई के साथ जब रूट इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो हम माइकोराइजा पढ़ेंगे। एंड आई होप आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन। माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। दैट मीन्स जो हायर प्लांट्स हैं उनके रूट से फंजाई का जो संबंध होता है, यानी कि फंगस जो एसोसिएशन होता है हायर प्लांट्स के रूट के साथ, उसे ही कहा जाता है माइकोराइजा। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें फंगस और हायर प्लांट्स दोनों को बेनिफिट्स होता है। माइकोराइजा ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है जिसका मीन्स होता है माइक्स मीन्स मशरूम और फंजाई और राइजा मीन्स रूट। एंड माइकोराइजा को डिस्कवर्ड किया था जर्मन बॉटनिस्ट ने एबी फ्रैंक 1855 इन अ पाइन में। 90% प्लांट्स इन्फेक्टेड विद माइकोराइजा, मतलब कि 90% जो प्लांट्स हैं वो माइकोराइजा से इन्फेक्टेड हैं। 83% डाइकॉट्स, 79% मोनोकॉट्स एंड 100% जिम्नोस्पर्म्स। और जो माइकोराइजा है वो कन्वर्ट कर देता है इनसोल्युबल फॉर्म को फॉस्पोरस इन अ सॉइल इन सोल्युबल फॉर्म में। और एक पिक्चर के थ्रू हम माइकोराइजा को डिटेल में समझते हैं। अगर आप पिक्चर को देखें तो आपको एक हायर प्लांट दिख रहा होगा। अगर हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर को देखें तो हमें रूट्स भी दिख रहे हैं। अगर और डिटेल से देखें तो हमें फंगस भी दिख रहे हैं। तो जो फंगस का हाइपी होता है आप नीचे की ओर सॉइल के अंदर देख सकते हैं कि जो ये फंगस और हाइपी है वो हायर प्लांट्स के रूट से जुड़ा होता है। तो ये फंगस का हाइपी जो है वो माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है और ये हायर प्लांट्स के चारों तरफ फैला होता है। और जो ये फंगस का माइसीलियम होता है वो अपने चारों तरफ आसानी से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर बात करें मिनरल्स की तो मिनरल्स में जनरली आपको फॉस्फोरस और नाइट्रोजन देखने को मिलेंगे। तो मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके ये हायर प्लांट्स के रूट्स में पहुंचाता है। जब वो हायर प्लांट्स के रूट में मिनरल्स और वाटर को पहुंचाता है तब वो सीधा हायर प्लांट्स के लीफ में जाता है और वहाँ पे अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू फ्रूट्स का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि हम जानते हैं जो हायर प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में, वाटर मिनरल्स की प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन ग्लूकोज के फॉर्म में करते हैं। ये जो ग्लूकोज बनता है वापस लीफ से होते हुए हायर प्लांट्स के रूट में आता है, जहाँ से फंगस के हाइपी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो फंजाई होता है वो हेटरोट्रॉपिक नेचर का होता है, यानी कि वो अपना फूड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, बदले में वो क्या करते हैं, वो हायर प्लांट्स के ग्लूकोज के फॉर्म में फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हायर प्लांट को भी बेनिफिट हो रहा है और फंगस को भी बेनिफिट हो रहा है। और यहाँ पे हायर प्लांट्स को क्या मिल रहा है,
यहाँ पे हायर प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स मिल रहा है और उसके बदले में फंगस को ग्लूकोज के फॉर्म में फूड मिल रहा है। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।